महाकवि रामधारी सेन दिनकर द्वारा रचित है। यह रश्मि रथी के सर्ग पांच के भाग एक में आप सभी का स्वागत है। तो आइए सुनते हैं रश्मि रथी। आ गया काल विकराल, शांति के क्षय का निर्दिष्ट लग्न, धरती पर खंड प्रलय का हो चुकी पूर्ण योजना, नियति की सारी, कल ही होगा आरंभ समारति भारी। कल जैसे ही पहली मरीज फूटेगी, रण में शर पर चढ़ महामृत्यु छूटेगी। संहार मचेगा, तिमिर घोर छाएगा, सारा समाज द्रग वंचित हो जाएगा। जन जन स्वजनों के लिए कुटिलियम होगा, परिजन परिजन के हित कृतांत सम होगा। कल से भाई भाई के प्राण हरेंगे, नर ही नर के शोणित में स्नान करेंगे। सुध बुध खो बैठी हुई समर चिंतन में, कुंती व्याकुल हो उठी सोच कुछ मन में। हे राम नहीं क्या यह संयोग हटेगा, सचमुची क्या कुंती का हृदय फटेगा। एक ही गोद के लाल कोख के भाई, सत्य ही लड़ेंगे हो दो ओ लड़ाई। सत्य ही कर्ण अनुजों के प्राण हरेगा, अथवा अर्जुन के हाथों स्वयं मरेगा। दो में जिसका उर फटे फटूंगी मैं ही, जिसकी भी गर्दन कटे कटूंगी मैं ही। पार्थ को कर्ण या पार्थ कर्ण को मारे, बरसेंगे किस पर मुझे छोड़े अंगारे। भगवान भगवान सुनेगा कथा कौन यह मेरी, समझेगा जग में व्यथा कौन यह मेरी। हे राम निरावृत किए बिना वीणा को, है कौन हरेगा जो मेरी प्रीणा को। गांधारी महिमामयी भीष्म गुरुजन हैं, धृतराष्ट्र खिन जग से हो रहे विमन हैं। तब भी उनमें यदि कहूँ करेंगे क्या वे, मेरी मणि मेरे हाथ धरेंगे क्या वे। यदि कहूँ युधिष्ठिर से यह मलिन कहानी, गल कर रह जाएगा वह भावुक ज्ञानी। तो चलूँ कर्ण से ही मिल बात करूँ मैं, सामने उसी के अंतर खोल धरूँ मैं। लेकिन कैसे उसके समक्ष जाऊँगी, किस तरह उसे अपना मुख दिखलाऊँगी। मांगता विकल हो वस्तु आज जो मन है, बीता विरुद्ध उसके समग्र जीवन है। क्या समाधान होगा दुष्कृति के क्रम का, उत्तर दूंगी क्या निज आचरण विषम का। किस तरह कहूंगी पुत्र, किस तरह कहूंगी पुत्र गोद में आ तू, इस पाषाणी जननी का हृदय जुड़ा तू। चिंता कुल उलझी हुई व्यथा में, मन से बाहर आई कुंती कड़ विदुर भवन से। सामने तपन को देख तनिक घबरा कर, सितकेशी संभ्रममयी चली सक्षा कर। उड़ती वितर्क धागे पर चंग सरी की, सुधियों की सहती चोट प्राण पर तीखी। आशा अभिलाषा भरी डरी भरमाई, कुंती ज्यों त्यों जानवी तीर पर आई। दिनमणि पश्चिम की ओर क्षितिज के ऊपर थे, घट उधेड़ते खड़े कनक के भू पर। लालिमा बहा अगजग को नहलाते थे, खुद भी लज्जा से लाल हुए जाते थे। राधे सांध पूजन में ध्यान लगाए, था खड़ा विमल जल में युग बाहु उठाए। तन में रवि का अप्रतिम तेज जगता था, दीप्ति ललाट अपरार्क सदृश लगता था। मानो युग स्वर्ण में शिखर मूल के ऊपर हो बैठ गया सचमुही सिमट विभाकर। अथवा मस्तक पर अरुण देवता को ले, वो खड़ा तीर पर गरुड़ पंख निज खोले। या दो अर्चियाँ विशाल पुनीत अनल की, वो सजा रही आरती विभा मंडल की। अथवा अगाध कंचन के कहीं नहाकर, मैनाक शैल हो खड़ा बाहु फैलाकर। सुत की शोभा को देख मोद में फूली, कुंती क्षण भर को व्यथा वेदना भूली। भरकर ममता पाय में निष्पलक नयन को, वह खड़ी सींचती रही पुत्र के तन को।